सो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज रियान फ्रॉम बिहान टीवी ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली जो है अपने यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर जो है मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ, एंड यहाँ पर हम लोग जितना मर्जी जो है सेटिंग अंदर जाके इसको जो है ऊपर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर, लेकिन हमें डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। सो आज की वीडियो में आपको यही जो है बताने लगूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है। सो चलिए गाइस, आपका टाइम नहीं वेस्ट किए बिना आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल रिहान टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सो वीडियो के नीचे मौजूद इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दें, साथ में मौजूद घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम जो अकाउंट इसको डिलीट करने के लिए अपने इंस्टाग्राम अपना ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम की जो है जो पिक्चर होती है प्रोफाइल पिक्चर, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, जो कि आपको नीचे जो है राइट साइड में जो है देखने को मिल जाएगी नीचे, ठीक है जी। इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पर आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऊपर 3 डॉट्स मिल जाएंगे प्लस वाले आइकन के साथ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स का, तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमें जो है कोई भी जो है डिलीट अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपने करना क्या, यहाँ पर आपको अकाउंट के नीचे हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपने सिंपली से इस हेल्प वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। सो जैसे यहाँ पर आप लोग जो है हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लोडिंग करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इंस्टाग्राम में हेल्प सेंटर, यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन के साथ जो है 3 लाइन्स देखने को मिलेंगी, आपने सिंपली से इनके ऊपर क्लिक कर लेना है। सो जैसे इसके ऊपर जो है क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज योर अकाउंट का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर सिंपली से जो है क्लिक कर लेना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिंग अकाउंट्स के नीचे डिलीट योर अकाउंट का जो है 5th या 6th नंबर ऑप्शन मिलेगा डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन, तो आपने इसके ऊपर सिंपली से जो है वो क्लिक कर लेना है। सो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपके पास लोडिंग करेगा, थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो जैसे इस वाले ऑप्शन के ऊपर जो है आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करना है, एंड यहाँ पर जो है आपको मिलेगा गो टू डिलीट योर अकाउंट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ऑप्शन मिलेगा गो टू डिलीट योर अकाउंट, तो आपने डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जो कि आपको जो है यहाँ पर ब्लू कलर का देखने को मिलता है, तो आपने सिंपली से जो है वो इसके ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। सो जैसे ये यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिलीट योर अकाउंट, तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग इसको मजीद जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हाई डू यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, आगे आपकी इंस्टाग्राम आईडी, तो नीचे यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। ये आपसे जो है पूछ रहे रीज़न पूछ रहे, यानी कि जो है वजह पूछ रहे कि आप लोग क्यों डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कोई किसी भी जो है वजह कर लेनी है, समथिंग एल्स का जो है कर देता हूँ। उसके बाद जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का जो यानी कि पासवर्ड वगैरह होगा, जो आपके इंस्टाग्राम की आईडी जो है उसका पासवर्ड होगा, वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर लेना है सिंपली से। नीचे यहाँ पर जो है आपको आपकी जो यहाँ पर एक लास्ट डेट जो है दिखाएगा, इसमें जो है ये आपसे ये कहेगा कि आपकी जो अकाउंट की डिटेल है वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि अप्रैल 30, 2020 तक जो है वो हाइड हो जाएंगी, उसके बाद जो है उसको जो है वो डिलीट जो है यानी कि कर दिया जाएगा। अगर आप जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है दोबारा यानी कि जो है अगर यहाँ पर आप लोग जो है इसको जाके डिलीट भी कर लेते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, लेकिन आप चाहते हैं फिर भी मैंने ओपन करना है, आपका जो है दिमाग जो है यानी कि चेंज हो जाता है, तो आपने कहना क्या है कि जो आपको यहाँ पर डेट शो कर यानी कि अप्रैल 30, 2020 से जो है पहले मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पर अगर यहाँ से डिलीट भी कर लूँ तो उसके बाद भी जो है मैं इसको लॉग इन कर सकता हूँ। आपके साथ से आपको बात समझ नहीं आई होगी, तो यहाँ पर आपने अपना जो है सिंपली से पासवर्ड एंटर करना है और डिलीट जो आपका जो इंस्टाग्राम का जो आईडी होगी यहाँ पर ब्लू कलर की आपको देखने को मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो गाइस जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपका दिमाग जो है चेंज हो जाता है, आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने अपना अकाउंट जो है डिलीट नहीं करना था, मैंने उसको जो है दोबारा यूज़ करना है, तो जो आपको यहाँ पर डेट शो करेगा जिससे मेरे पास अप्रैल 30, 2020 है, तो इस तारीख से पहले ये इस तारीख तक जो है मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है वो चला सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं चला सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करके यहाँ पर ओके कर लेना है, तो यहाँ पर जो है आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ से आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सही तरह से जो है पासवर्ड एंटर नहीं किया हुआ, तो आप लोगों ने कहना है कि गाइस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड जो है एंटर करना है, देन सिंपली जो है आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, जो आपकी डेट होगी उस तक डिलीट नहीं होगा, उसके बाद जो है डिलीट होगा। यानी कि जब आप लोग यहाँ पर इस डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करेंगे तो 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है डिलीट हो जाएगा, उस 30 दिन में आप अपने अकाउंट को दोबारा भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर जो है क्लिक
कर लें। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।